हाल ही में भिंड के जिला अस्पताल की एक नर्स को अस्पताल के वार्ड बॉय द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी ये मामला थमा नहीं कि दूसरा मामला मंडला जिला अस्पताल में सामने आया, जहां एक अटेंडर से मिलने आए लोगों ने एक नर्स के साथ अभद्रता की। मंडला का ISO प्रमाणित जिला अस्पताल अब सुरक्षित नहीं है। आए दिन डॉक्टर और नर्सों से अभद्रता की जाती है। ताजा मामला देर रात का है, जब एक अटेंडर से मिलने उसके कुछ 5 मित्र पहुंचे। उस वक्त मरीज ICU में भर्ती था। ये 5 लोग ICU में पहुंचे और सभी ने अपने हाथों को सैनिटाइज किया। तब नर्स द्वारा कहा गया कि आप लोग बाहर जाकर सैनिटाइज करें। फिर क्या था, इन 5 लोगों में एक व्यक्ति को गुस्सा आया। उसने सैनिटाइजर की बोतल नर्स के मुंह पर दे मारी और नर्स के साथ गाली गलौज करने लगे। फौरन ही 100 डायल को सूचना दी गई। तब तक आरोपी वहां से भाग गए। मामला पुलिस कोतवाली में दर्ज किया गया। वहीं आक्रोशित नर्सों ने आज हड़ताल कर दी और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ASP को ज्ञापन सौंपा। अटेंडर आए, उसमें से एक मरीज था जिसको चोट लगी हुई थी, तो ड्रेसिंग कराने के बाद वो मेरे पास आए दवाइयाँ लेने के लिए और मैं उनको दवाइयाँ दे रही थी। उतने में 4-5 लोग एकदम ड्यूटी रूम के अंदर आ गए और अपने सैनिटाइजर की बोतल को उठाकर सबके सब सैनिटाइज करने लगे। तो मेरे द्वारा मना किया गया कि सैनिटाइज आप सामने वाले रूम में जाके कर लीजिए और सबके सब अंदर मत आइए। इतने में उसने जो जिसके पास सैनिटाइजर की बोतल थी, उसने वो सैनिटाइजर की बोतल से मेरे ऊपर अटैक करा, फेस पे उसने फेंक के मारा और सबके सब गाली गलौज करने लगे और गाली देते हुए बाहर निकल गए। 7-3 युवक उसके साथ ही थे, जिसका ड्यूटी डॉक्टर ने इलाज किया, परीक्षण किया एवं ड्रेसिंग करवाई। उनमें से एक उनका साथी कैजुअल्टी की जो ICU है, जहां सिस्टर ड्यूटी कर रही थी, वहां चला गया। उसके पीछे से वो तीनों युवक और चले गए और वहां जो सैनिटाइजर रखा था उसका वो सभी लोग यूज करने लगे और सिस्टर को घेर के खड़े हो गए, जिस पे सिस्टर ने आपत्ति जताई और कहा कि ये सैनिटाइजर का यूज ना करो, आप कैजुअल्टी में जो सैनिटाइजर उसका यूज करो। तो इस पे इनमें से एक युवक जो है काफ़ी हाइपर हुआ, आक्रोशित होते हुए उसने सैनिटाइजर जो है उसके मुंह पे दे मारा, जिससे उसके होंठ में चोट आई है, दांत में भी लगा है। और इसके बाद उसको काफ़ी अभद्र गाली दी। ये बोला ये कि तुम्हारे बाप की है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, सास की है, हम इसका यूज क्यों नहीं कर सकते। और ये कहते हुए फिर वो बाहर आ गए और इसके बाद क्या है, वो यहाँ से चले गए, जिससे हमारी स्टाफ नर्स काफ़ी आहत हुई, काफ़ी डरी हुई, सहमी हुई थी। हमारे यहाँ के गार्ड भी थे पर वो बाद में आए, लेकिन घटना उससे पूर्व हो चुकी थी। फिर उन्होंने 100 डायल को फ़ोन लगाया। उसके बाद उन्होंने मैटर को संज्ञान में लिया। आज सुबह से सारी स्टाफ नर्स एक बद्ध हो गई हैं, लामबद्ध हो गई हैं, उनके यूनियन लीडर भी हैं और उनका कहना यह है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, जब तक ना हमारी सुरक्षा नहीं होती एवं दोषियों के प्रति गिरफ्तारी नहीं की जाती, तब तक हम कार्य नहीं करेंगे, और वो हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं। वहीं सारे मामले को गंभीर मानकर पुलिस जांच में जुट गई है और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कराने की बात कह रही है। उनको हॉस्पिटल में पहुंच करके वो नर्स के साथ में अभद्रता किए, उसके ऊपर बॉटल वगैरह फेंक करके ही मारा। कुछ नर्स का कहना ये था कि उन्होंने सैनिटाइजर का उपयोग करके अंदर जाएं या बाहर रुके, इस टाइप से बोला, जिसमें वो आपे से बाहर होकर के उन्होंने हमला भी किया। उनके खिलाफ पुलिस ने संज्ञान में लिया है और केस भी दर्ज किया है। फिर सवेरे उनकी गिरफ्तारी होगी और संबंधित अच्छी ठोस कार्रवाई करेंगे। इसमें बता दें कि हाल ही में भिंड में एक तरफा प्यार के चलते वार्ड बॉय ने नर्स को गोली मार दी थी, जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ऐसे में अब मंडला में नर्स के साथ अभद्रता होना कई सवाल पैदा करता है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे करती है। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।